ऑल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। योगी सरकार 2 में जनता का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। विकास की आस पे सालों से जानवरों जैसी जिंदगी बिताने के बाद अब लोगों की सहनशीलता खत्म हो गई है। तभी तो लोग अब गांव से निकलकर मुख्यालय के अधिकारियों की चौखट में सर पटक रहे हैं। वहीं स्थानीय अधिकारी और नेता मौज काट रहे हैं। गरीब जनता की सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें जनपद बांदा के नरीनी विधानसभा नौगवा ग्राम पंचायत के सुखारी पुरवा की है। इस क्षेत्र में सैकड़ों सालों से सड़क नहीं बनी है। लोगों को दलदल भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाए या महिला की डिलीवरी होनी हो तो इन्हें खाट पर लिटाकर कंधों में ले जाना पड़ता है। ये रास्ता करीब 5 किलोमीटर का है और दलदल भरे रास्ते से पैदल ही गुजरना पड़ता है। इस पूरे मामले की हकीकत जानने हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मैं इस समय नारायणी विधानसभा के नारायणी ब्लॉक अंतर्गत नौगावा गांव के सुखारी पूर्वा मेन रोड में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी गाड़ी यहां पे खड़ी हो चुकी है। अब इसके आगे ये गाड़ी नहीं जाएगी। अब आपको हमारे साथ देखिए गांव के लोग आ चुके हैं। अब हमको ये अपनी गाड़ी से लेकर गाँव की तरफ जाएंगे, जो लगभग 4 किलोमीटर का पूरा रास्ता है। अब उस रास्ते पर गांव वालों के साथ गाड़ी से सफर तय। मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि जिस तरह से प्रधान और सचिव ने मिलकर नरेगा से लगभग 9 से 10 लाख रुपए का मोरमीकरण का भुगतान किया था, मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा दूं कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। आप देख सकते हैं कि मोरमीकरण आपको रोड में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। और आज जब उनको ये पता चला कि मीडिया के कुछ लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने आनन फानन जल्दी ट्रैक्टर से मोरमीकरण 2-4 ट्रालियां डलवा दी। इसके बाद इस तरह का भ्रष्टाचार किया कि पूरी धनराशि का सचिव और प्रधान के द्वारा बंदर बांट कर लिया गया। अब आगे विकास की सच्चाई गांव चलकर दिखाएंगे, जो हमको ये ग्रामीण लेकर आगे जाए। हमारी टीम जिला मुख्यालय से चलकर करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सुखारी पूर्वा के मुख्य मार्ग में पहुंची, जहां कुछ ग्रामीण मोटरसाइकिल से गांव जा रहे थे। उन्होंने हमें वहीं रोक दिया और कहा, आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, अब आपको करीब 4 किलोमीटर बाइक में जाना होगा। पर मुसीबत यही नहीं थमी, आगे का रास्ता इतना खराब था कि ग्रामीणों को करीब 1 किलोमीटर पहले ही मोटरसाइकिल खेतों में ही खड़ी करनी पड़ी और आगे का सफर पैदल ही करना पड़ा। खतरा ये भी रहता है कि रात के समय इन ग्रामीणों की बाइक कोई भी उठाकर ले जा सकता है। लगभग 4 किलोमीटर का ये रास्ता है पूरा। हम 2.5 किलोमीटर के आसपास गांव वालों की मदद से यहां तक पहुंच चुके हैं। आपको दिखा दें कि यहां गांव वालों की सारी गाड़ियां आपको यहां खड़ी मिलेंगी, भगवान भरोसे खड़ी मिलेंगी। चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर यहां लोगों की मानवता समझिए कि उनकी सारी गाड़ियां यहां खड़ी हैं। और यहां से अब हम सफर हमारा पैदल शुरू होगा, जो पैदल चल के अब 1 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे और तय करने के बाद इसके बाद गांव का विकास दिखाएंगे। आप हमारे साथ एक वृद्ध मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये कितने सालों से ये रोड नहीं बना और इस रोड का वो दंश झेल रहे हैं। दादा कितने साल हो गए? 300 बरिस रोड नहीं बना, अधिकारियों के चक्कर लगाए, कुछ कोई कुछ कोई कहूँ सुनाई नहीं। कुल मिला के मानिए अंग्रेजी शासन काल से। देखिए 300 साल का मतलब हो 300 तीन पीढ़ी का मतलब होता है 300 साल। अब 300 साल से अगर ये रास्ता नहीं बना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव वाले किस कदर मजबूर होंगे इस रास्ते में चलने के लिए। अब चलते हैं हम गांव की तरफ और देखते हैं गांव का विकास और आपको हर विकास से रूबरू कराते हैं। करीब 1 किलोमीटर भीषण गर्मी में हमें पैदल चलकर जाना पड़ा, जहां देखा पूरा रास्ता दलदल भरा था। कई जगह तालाब नुमा गड्ढे थे जिनमें गांव के मवेशी डुबकियां लगा रहे थे। वहीं जब गांव के अंदर प्रवेश करते हुए तो हमें 80 के दशक की याद आ गई, जहां कच्चे मकान खपरेल हुआ करते थे। वहीं नजारा देखने को मिला। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रास्ते के नाम से करीब 9 लाख रुपए निकाले गए पर काम नहीं कराया गया।
दिखावे के लिए रास्ते में बालू गिरा दी गई और पूरा पैसा डकार गए। ना ही ग्रामीणों को आवास मिल रहे हैं, ना ही शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जब जिला ODF घोषित कर दिया गया है उसके बावजूद भी कैसे विधायक कैसे अधिकारी, आखिरकार जनता के पैसे से ही अधिकारी बनाए जाते हैं, विधायक बनाए जाते हैं। विधायकों का काम होता है जनता की रक्षा करना, जनता की सेवा करना, जनता की समस्या को सुनना। एक बार नहीं 10 बार विधायक के चक्कर लगा चुके, एक बार नहीं 10 बार जिलाधिकारी के चक्कर लगा चुके, लेकिन इन ग्रामीणों की अभी तक किसी भी समस्या का निदान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे के माध्यम से दिखा दूँ, ये 4 किलोमीटर का पूरा रास्ता है जो नौगावां ग्राम पंचायत से सुखारी के लिए जाता है। यहाँ के ग्रामीण किस तरह से जिंदगी जीने को मजबूर हैं, आप देख सकते हैं इस रास्ते को किस तरह इस दलदल से निकलते होंगे और किस तरह से यहाँ से जाते होंगे। अभी फिलहाल में ही इस बरसात को लेकर तमाम मौतें भी हुई। मेरे साथ लगभग काफ़ी लोग मौजूद हैं गांव के, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार किस तरह से वो यहाँ से निकलते हैं, किस तरह से वो यहाँ से जिंदगी जीने को मजबूर हैं, कितनी बार अधिकारियों के चक्कर लगाए और उनको इस समस्या से निदान कराया गया कि नहीं कराया गया। हमारे साथ तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम बच्चे बूढ़े नौजवान सब मजबूत खड़े हैं, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी समस्याओं का निदान क्यों नहीं हुआ। क्या नाम है मतरम? क्या समस्या है आपको यहाँ? ये दलदल की बहुत ज्यादा समस्या। तो आपने कहीं अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाए? चक्कर लगाए हैं, हमारी सासू माँ, हमारे घर वाले, हमारे परिवार, ससुर जितने हैं गांव वाले, कम से कम 50 आदमी 35 आदमी। कभी ये लोमड़ी वर्मा के यहाँ एक बार गए थे, काफ़ी औरतें गई थी, तो उन्होंने देखकर अंदर ही रह गई, कह रही थी कि जाइए जाइए आपका काम हो जाएगा। यहाँ पसीने से चूर आदमी हर रोज किसानी का करता है, कोई यहाँ ना लड़के ना बच्चे ना बूढ़े जो हैं वो तो स्थिति से गुजरे हुए हैं, उन्हें सब कुछ आता है लेकिन वो तो बूढ़े खत्म हो चुके हैं। अब नए नए भर्ती के आदमी वो नहीं निकल पा रहे ना। आवास मिला? आवास नहीं मिला। शौचालय मिला? शौचालय पिछले वो उन पंचवर्ती में मिला है, इसमें नहीं मिला। आपको मिला? आपका क्या नाम है? क्या समस्या है आपको उस रोड से लेकर? क्या समस्या ये है कि निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारी डिलीवरी हुई थी एक बार यहाँ, तो यहाँ पैदल चलना पड़ता है, तो फिर खटोली में लेके जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है, अब कोई वो हो जाता है, दुख तकलीफ है किसी को, नहीं पैदल जाना होता है, ये तो फिर चारपाई में ये तो नहीं है कि आवास। आपको भी मिला? कुछ भी नहीं। शौचालय मिला? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला। तो ओमड़ी वर्मा से गांव के लोग मिले थे? मिले थे। तो ओमड़ी वर्मा ने क्या आश्वासन दिया? ये कहा हम सुखारीपुर जानते ही नहीं है कहाँ पड़ता है। जानते ही नहीं? हाँ। क्या नाम भैया, क्या माता का नाम? क्या समस्या है इस रोड को लेकर? यहाँ गई रही ओमड़ी वर्मा के, कोई सुनाइए नहीं। ओमड़ी वर्मा के तो क्या कहा? कुछ नहीं कहे, कहन कि तुम जाओ ये है कहीं कुछ ना पड़े, बहुत दूर पड़ता सरकारी, यहाँ नहीं अधिकारी डाल देती। ये बात करते हैं जैसे लोग यहाँ बीमार होते हैं तो उसको लेकर कैसे जाते हैं? चार पाई में जोड़ेंगे पाते हैं तो ऐसे जाते हैं पकड़ पकड़, नहीं तो फिर पार के जाते हैं। तमाम लोगों की मौत भी हुई? तमाम हो गए, कोई वाहन ही निकल, हमारे आदमी खुद बहुत हो गए। अच्छा अच्छा, यही बीमारी के मारे। अच्छा, कितने लोग लगभग मौत हुई? बहुत लोग, काफी लोग। तो ओमड़ी वर्मा ने कोई आश्वासन नहीं? कोई नहीं। मतलब जिलाधिकारी के पास गए? सबके पास गए। हाँ, कोई सुनाई नहीं, कोई चीज। हाँ। देखिए, और हमारे साथ बुजुर्ग है एक दादा, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम देवी दयाल। क्या समस्या है इस रोड को लेकर? सर जी, मैं दूसरे गाँव का हूँ लेकिन एक नजदीकी खेती किसानी के माध्यम से मैं यहाँ हमेशा आने जाने वाला हूँ, इनके साथ में जुड़ा हूँ, यहीं की बटाई उटाई का खेत लिए रहता हूँ। तो यहाँ की समस्या सबसे बड़ी जटिल मुझे यही दिखाई दिया कि यहाँ के जो कर्मचारी आते हैं केवल बोर्ड के ही साथी ही मिलते हैं मुझे, और काम के साथी नहीं मिलते हैं। काम के बारे में भड़का रहे हैं और तमाम पैसा निकला, तमाम पैसा खाया और सब लोगों को इधर उधर संबोधित किया कैसे भी करके, और वोट ले गए और फिर कोई सुनाई नहीं। अच्छा, आवाज़ शौचालय वगैरह मिली? आवाज़ शौचालय पिछले जो 1200 रुपये का एक अनुदान आया था उसमें। कितने लोगों के शौचालय होंगे यहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 25 शौचालय, 50 नहीं, 10। कितने? 10 से ज़्यादा होंगे। लगभग कितनी आबादी होगी इसका?
दोनों कम से कम 1500 से 2000 के लगभग होगी सर। 1500 से 2000 जी सर। और शौचालय के दो चार लोग जी सर। शौचालय तो बस इतने ही होंगे। आवास भी जी, आवास भी ऐसे ही होंगे सर जी। जी मैं आपको बता दूं कि देखिए ये वही ओम मणि वर्मा भाजपा भी। हाँ, हमारा लड़का भी टकरा गया, उसके 4 महीने से भर्ती है, कान फिर में लग गया, 7 लाख पैसा लग गया, कोई सुनाई नहीं है। बस केस के लेके आया ना, लेटता है खटोली, कोई देख नहीं पर नहीं पा रहा। हाँ, परे परे आ ही रहा है। अब कसके हम अपनी बच्चा का घर में ले आएगा बताओ? रात बिरात कुछ तकलीफ ही हो आएगा दवाई। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये वही ओम मणि वर्मा भाजपा विधायिका का क्षेत्र है जो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। आप देख सकते हैं इन ग्रामीणों का हाल, ये अपने हाल खुद अपने मुंह से बयां कर रही हैं कि हम कई बार ओम मणि वर्मा के चक्कर लगा चुके, कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके, लेकिन अभी तक हमारी समस्या को हल नहीं किया गया। अभी बता दूं कि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव में इन ग्रामीणों ने चुनाव को लेकर बहिष्कार किया था, तब तहसीलदार नारायणी आकर के इनको आश्वासन देते हैं कि आप वोट करिए, जिम्मेदारी मेरी है कि मैं रोड बनवाऊंगा। तो ऐसे लोभ लुभावन वादे करके चले गए, लेकिन इनकी रोड अभी तक नहीं बनवाई गई। यहाँ 4-6 मौतें भी हो चुकी इस रोड को लेकर, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई आकर इनकी समस्या को हल नहीं करना चाहता। अभी और आपको बता दूँ कि गाँव में ना साफ सफाई की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, आवास भी नहीं, शौचालय भी नहीं, जबकि शौचालय को ODF कर दिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन गांव वालों का दर्द सुनिए कि इनके पास एक शौचालय तक नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है, जहां कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने चुनाव के दौरान बहिष्कार भी किया था। नेता अधिकारी आए थे, वादा किया था कि सड़क बन जाएगी, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका। ग्रामीणों ने यहां तक बताया कि जब हम विधायक ओम मणि वर्मा के यहां गुहार लगाने गए, उन्होंने हमें नकार दिया पहचानने से, तो हमें उल्टे पांव ही लौटा दिया गया। मैं समय विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मौर्य के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं इस मामले को लेकर मैं इनसे मुलाकात करने के लिए कल से 4-6 बार चक्कर लगा चुका, लेकिन अधिकारी है तो मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि किस मामले को लेकर मैं इनसे मुलाकात करना चाहता हूं। एक नौगवां ग्राम पंचायत के सुखारी पुरवा का मामला है, जो सड़क का मामला है, उसी मामले को लेकर मैं मुख्य विकास अधिकारी के पास कई बार चक्कर लगा चुका हूँ। जबकि बता दूं आपको कि कल देर शाम तक आनंद फानन मुख्य जिलाधिकारी ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने में सभी अधिकारियों को मौजूद किया, उस मामले को लेकर प्रस्ताव भी जारी किया। नारायणी विधानसभा के नारायणी ब्लॉक के अंतर्गत नौगांव ग्राम पंचायत के मैं सुखारी पुरवा पहुंच चुका हूं, और सुखारी पुरवा में पहुंचने के बाद तमाम मेरे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, लगभग 100 ग्रामीण मौजूद है। और मैं आपको दिखा दूं कि प्रधान ने किस तरह रोड में भ्रष्टाचार किया है, प्रधान और सचिव ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। आपको दिखा दूं कि गांव वालों का कहना यह है कि ये रोड विद्यालय सुखारी पुरवा से बनाई गई है और राम नरेश के घर तक, लेकिन जो कागजों में दर्शा रहा है वो दिखा रहा है प्राथमिक विद्यालय से लेकर राम नरेश के घर तक, लेकिन जो रोड बनाई गई है वो दिखा रही है जीत राम के घर से झल्लू के घर तक। तो कहीं ना कहीं प्रधान और सचिव ने मिलकर इतना भ्रष्टाचार किया कि भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ गया गांव। और मैं सबसे बड़ी एक बात बता दूं आपको कि ये वही भाजपा विधायिका का क्षेत्र है जो ओम मणि वर्मा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, और जब गाँव के लोग ओम मणि वर्मा से मिलने जाते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है कि आप कहाँ के हैं और कहाँ से आए हैं और ये सुखारी पुरवा पड़ता कहाँ है। जब ओटो की बात होती है तो ग्राम पंचायत नेता घूम घूम के अपनी चप्पलें उनकी टूट जाती है, लेकिन जब ग्राम पंचायत के लोग पहुँचते हैं तो उनसे ये सवाल अजीबोगरीब लगते हैं। और आप देख लीजिए कि मेरे साथ कितने सैकड़ा गाँव के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरह का भ्रष्टाचार सचिव और प्रधान ने मिलकर इस गांव में किया। तमाम मेरे साथ गांव के लोग हैं। भैया क्या नाम? लवलेश पटेल। क्या किस तरह ये रोड बनाई गई, कहां से बनाई गई और कहां तक बनाई गई? जीत राम के घर से झल्लू के घर तक बनाई गई है, बाकी और नहीं बनी प्रधान द्वारा कुछ विकास।
तो अभी आपने बताया था कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर राम नरेश के घर तक विद्यालय कागती बनी हुई है, पर प्रधान ने नहीं बनवाया। तो इसका मतलब सचिव और प्रधान ने मिलकर खा गए। और इसके बाद और क्या किया? इसके बाद कोई प्रधान के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। अभी तक पाँच इस पंचवर्षीय के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो 3 साल में कोई कार्य नहीं किया? कोई कार्य नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। अच्छा, जिस तरह से मान लीजिए आवास है, शौचालय है, ना किसी को नहीं, लोगों को लगभग आवास मिला होगा? आवास तो किसी को मिला ही नहीं है, शौचालय दो लोगों को मिल गया हो तो मिल गया हो। जानकारी कितनी आबादी होगी इसका? आबादी है कम से कम 5,000 है। नहीं, ये आपकी पूर्वा की जो मैं तुम्हारी पूर्वा मौजूद हूँ, यहाँ के पूर्वा की आबादी कम से कम 2-3 हज़ार के लगभग। 2,000 तो 2,000 में केवल शौचालय अगर मिला तो केवल 2-4 लोग, 2-3 लोगों को मिला होगा तो मिला होगा। क्या नाम भैया? राजकुमार। क्या प्रधान ने क्या किस तरह का भ्रष्टाचार किया है जो आप हम बता रहे हैं कि ये सुखाड़ी पूरा विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय से लेकर और राम ने इसकी घर तक बनाई है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज तक में कुछ दिखाई नहीं, मर रहे यहाँ सब। मतलब 3 साल पूरे हो गए इस प्रधान के, अभी तक कोई कार्य नहीं किया? कुछ नहीं। तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? जनपद जी ने पत्नी से मिले, उमड़ी वर्मा है यहाँ गए का, इसलिए अब कुछ बार गए। तो क्या क्या कहा उमड़ी वर्मा? उमड़ी वर्मा के पास गए, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग हैं तो है कहाँ? हम लोगों ने बताया कि हम लोग सुखाईपुर वाले। उन्होंने कहा कि सुखाईपुर पढ़ता कहाँ? पहले तो अंदर से नहीं निकली थी, काफ़ी देर में निकली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ का बजट नहीं है हमारे पास, आप हम नहीं डलवा सकते, ब्लॉक प्रमुख के पास जाइए। अब ब्लॉक प्रमुख के पास हम लोग गए, उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं, जब बजट आएगा तब बनेगी। अभी तक उनका भी बजट नहीं आया। उसके बाद हमने बोर्ड बहिष्कार भी किया। उसके बाद वोट बहिष्कार करने के बाद जब तहसीलदार हमारे यहाँ गांव आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया था कि मुरुगेश मंदिर यहाँ कार्य चालू हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी दिन बीत गए, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम डीएम के यहाँ कम से कम 15 बार हो आए हैं। डीएम साहब ने अभी जब परसों नरसों के दिन हम लोग गए, उन्होंने ये कहा कि एक दिन में हम देखते हैं, देखने के लिए बोला, वो भी कार्य करने के लिए नहीं मिलता। कितने दिन हो? परसों की बात है। अभी तो कोई अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया हमारे यहाँ। क्या नाम भैया? जी बताइए, क्या समस्या है इस गाँव में? अरे इस गाँव में समस्या यही है कि लोग पीने बड़ी दिक्कत आ रही है। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? हमने जिला अधिकारी महोदय बांदा, SDM नरैनी, तहसीलदार, अपने क्षेत्र के विधायक से। जी जी, विधायक ने कहा कि हम सरकारी पुलों को पहचानते ही नहीं, कहाँ और हम कहाँ के होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जिलाधिकारी आश्वासन दिया है कि देखते हैं, एक दो दिन के लिए मोहलत मांगे हैं, बोले देख रहे हैं हो सकेगा, लेकिन सीरियल नहीं कि बोला कि निर्माण कराया जाए। अभी आप लोगों का एक आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय सुखाड़ी पूर्वा से लेकर और राम नरेश के घर तक जो ये रोड ने कागज में दिखाया है, तो कागज में ना दिखा के ये जीत राम के दरवाजे से झल्लू के दरवाजे तक बनाई गई है। जी जी, नहीं, ये कैसा मामला है? ये सर स्कूल से राम नरेश के घर तक कागज में दिखाया गया है, लेकिन माना जाए निर्माण तो जीत राम के झल्लू के घर तक हुआ, जहाँ तक वहाँ राम नरेश के घर तक होना चाहिए, लेकिन प्रधान ने नहीं करवाया। देखिए मैं आपको बता दूँ, गांव वालों का आरोप है कि हम विधायक से भी मिले, एक बार नहीं 2-4 बार मिले, इसके बाद हम जिलाधिकारी से मिले, विधायक ने हमको जवाब यही दिया कि आप हैं कहां से हम नहीं जानते, कौन सा पुरवा ही ये कहां पड़ता है। तो गांव वालों के इतने आरोप हैं, लेकिन विधायिका ओममणि वर्मा अपने क्षेत्रों का कभी न दौरा करती हैं और न अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनती हैं, केवल AC रूम में बैठकर मौज काटती हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से पंकज त्रिपाठी।